अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं आज एक इवेंट के लिए, छोटा सा एक बच्चों के लिए इवेंट था, तो करीब में हमारे एक मॉल है उसी के अंदर था, तो आज वुमेंस डे भी था तो उसी पर इवेंट था। सुबह बस मैंने विशाल को स्कूल छोड़ा था और हम दोनों जो हैं वो डायरेक्टली पे निकल गए थे, सुबह ही के टाइम पर था। ये जो है प्री स्कूल जाते नहीं हैं अभी, तो घर में ही होते हैं मेरे साथ, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी रखूँ और कोई ना कोई एक्टिविटी करूँ। कभी लाइब्रेरी ले जाती हूँ, कभी कोई क्राफ्ट्स का ऐसा इवेंट होता है तो उसमें ले आती हूँ। तो बस आज जो है वो बुक मार्क्स बनाने थे, तो इनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ थोड़े से ग्लिटर ऐड कर दिए थे। बाकी सारा काम मैंने किया और फिर मैंने कहा ये मिशाल के लिए रख देती हूँ, उसको उस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ब्लॉग स्टाइल बनाएं, थोड़ा सा ब्लॉग भी डाला करें, तो आज मैंने सोचा है थोड़ा सा आप लोगों को जो है ब्लॉग स्टाइल भी बना देती हूँ और साथ साथ जो मैं मील प्रेप्स करती हूँ वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इवेंट ख़त्म होने के बाद हम लोग करीब में एक स्टोर है होल फूड का, तो बहुत अच्छा स्टोर है, यहाँ से जो है ग्रॉसरी भी मिल जाती है और छोटा सा इन्होंने कैफ़े और जो फूड कोर्ट होता है ना वो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सारे हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, आप सैलड बना सकते हैं इधर। तो हमेशा जो है ना मैं जाती हूँ तो इधर खूब सारी चीज़ें सैलड वैलड डाल के ना और प्लेट बना लेती हूँ। डाइट थोड़ी सी मैंने चेंज कर ली, अब ज़्यादातर मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर लूँ ताकि जो है वो वेट भी लॉस हो जाए। थोड़े दिनों में रमज़ान भी आने वाले हैं तो सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। रमज़ान के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैं इंशाल्लाह जो है पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें एक मील प्रेप भी कर लूँगी, जो थोड़ी पहले मुझे क्लीनिंग करनी है, फ्रिज और फ्रीज़र वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखना है वो भी मैं कर लूँगी। घर आके बस थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया था, नोआ को मैं थोड़ा लंच दे दिया था, थोड़ा देर वो खेलते रहे, उनका नैप टाइम भी हो गया था, फिर मैंने उसको सुलाया और बाकी जो मुझे काम करने थे उसके लिए बस मैं अपने रूम में आ गई थी। आज थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि जब तक घर आए तो फिर तकरीबन 11-12 बज गए थे, तो आके फिर मैंने अपना रूम पहले साफ़ कर लिया था, मुझे चादर भी चेंज करनी थी और कपड़े भी धोने के लिए डालने थे, काम वाम करके फिर मिशाल को पिक भी करने जाना होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको जाने से पहले जो है ना सारे किचन के घर के काम कर लूँ ताकि फिर वो आए ना तो फिर उसको टाइम दूँ, उसको जो है खाना वगैरह दूँ। आजकल मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह तो कभी जो है वो एकदम होता है कि सर्दी हो जाती है रात में, एकदम जो है गर्मी हो जाती है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सर्दियों के कपड़े अंदर रखें बाहर रखें, गर्मियों के बाहर निकालें, तो बड़ी ही कन्फ्यूजन है। कल रूटीन मेरा इतना टफ हो गया है, मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, तो व्लॉग जो है ना हमेशा थोड़ा डिले हो जाता है, और जो नमाज़ के बाद से काम स्टार्ट होते हैं तो फिर रात को इशा के बाद ही ख़त्म होते हैं, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक्स ले लेती हूँ ताकि ये कि बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ और कर सकूँ। घर की काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, उनको क्लीन करना ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन बिल्कुल भी मैनेज नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो इंशाल्लाह नया रूटीन जब मैं सेटअप कर लूँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर बच्चों के कपड़े ज़्यादातर मैं अलग धोती हूँ तो उनके ज़रा डेलिकेट साइकिल पे धोती हूँ, अपने बस मैं ऐसी नॉर्मल साइकिल पे धो लेती हूँ तो एक साथ काफ़ी सारे धुल जाते हो। ये रहा है कि बस एक दिन जो है कपड़े धुलते हैं फिर दूसरे दिन जो है अलमारियों में रखती हूँ मैं, थोड़ी सी मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी करनी है, लेकिन जो है इंशाल्लाह जब करूँगी रमज़ानों के दिनों में तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े वपड़े डाल के फिर मैं मिशाल को स्कूल लेने चली गई थी, वहाँ से मैं वापस आई, उसको थोड़ी देर मैंने कहा खाना वगैरह दे दूँ, थोड़ी एक्टिविटी करती रहेगी वो अपनी। आज जो है वो मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी और साथ ही आलू कीमा, तो मैंने सोचा बिरयानी के साथ थोड़ी सी सैलड भी बना लेती हूँ और बाकी रायता वगैरह होगा तो कॉम्बिनेशन सही रहेगा। अच्छा, हम लोग ना बड़े से बैग में कॉस्को से वो सैलड कभी कभी कटी हुई ले लेते हैं, तो ज़्यादातर जो कैबेज होती हैं क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होती, उसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, तो मैं ये करती हूँ कि उसको ज़िपलॉक्स में थोड़ा थोड़ा जो है वो बना देती हूँ पोर्शन, और उसके बाद जब भी मुझे सैलड बनानी होती है तो फिर मैं इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ।
अच्छा, ये वाली जो सैलेड है ना, मैं दो तरह से बनाती हूँ। एक तो ये कि जैसे मायनीज और रेंच वगैरह डाल के और इसको मिक्स कर लेती हूँ। दूसरा ये कि उसके अंदर पूरा जो है फुल वर्जन, जैसे उसमें फ्रूट्स भी डालती हूँ और पूरे जैसे रशियन सैलेड होती है उस तरह बना लेती हूँ, फिर उसमें पास्ता भी डाल देती हूँ। किचन भी थोड़ा मुझे ऑर्गेनाइज करना है रमज़ान के लिए, स्पेशली जो फ्रिज है और फ्रीज़र है उनको तो सबसे पहले मैं करूँगी, ताकि ये कि जो भी मैं चीज़ें और फ्रोज़न आइटम बनाऊँगी तो वो फ्रिज के अंदर और फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। बिरयानी जो है ना, हमेशा मैं पैकेट के मसाले की बनाती हूँ। पता नहीं, मुझे लगता है कि अपने घर के मसाले का उतना मज़ा ही नहीं आता है, या खुशबू ऐसी ही नहीं आती, तो हमेशा मैं ये करती हूँ, या तो नेशनल का या फिर शान का यूज़ कर लेती हूँ। पहले से जो है ना मैरिनेशन कर लेती हूँ, चिकन या बीफ जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर। बस मैं अदरक लहसुन डाल के, तेल डाल के, दही और पूरा पैकेट जो भी मसाले का आप यूज़ करें वो डाल के 1 घंटा मैरिनेट कर देती हूँ। इससे मसाला जो है ना गोश्त के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब कुकिंग करेंगे ना आप तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे इंस्टेंट पॉट की रेसिपीज़ चाहिए, तो ये जो है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आलू कीमे की रेसिपी। इंस्टेंट पॉट मैंने बस सॉटे मोड पे किया है, उस पर थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह डाला है, उसको थोड़ी देर मैंने फ्राई किया है। उसके बाद चॉप की हुई मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी खूब सारी, और उसके बाद जो है इसको मैं अब फ्राई करूँगी। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद अदरक लहसुन डाला है, और साथ ही साथ जो है पिसा हुआ जो कीमा होता है वो डाल दिया है। कीमा मैंने जो यूज़ किया है उसके अंदर 10% फैट है और 90% जो है गोश है। साथ कीमे को भूनती जाती हूँ, और जो सिंपल मसाले हैं उसमें हल्दी और धनिया, पिसा हुआ और ज़ीरा, नमक और मिर्च डाल के ना इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। इसी रेसिपी से जो है वो आप आलू कीमे की जगह और भी बहुत सारी कीमे की रेसिपी बना सकते हैं, ताकि ये कि आपको थोड़ी सी वैरायटी मिल जाए। पालक कीमा हो गया या मिर्चों वाला आलू थोड़े से भून जाएंगे कीमे के साथ, तो फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें, टमाटर को भी अच्छी तरह भूनें। उसके बाद थोड़े थोड़े जब गल जाएँ तो फिर दही डाल दें। जान के लिए भी काफ़ी सारी रेसिपी ऐसी हैं जो आप आराम से जो है वो इंस्टेंट पॉट में बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब दही अच्छे से भुन जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के और इसको जो है गलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, और ये जो है ना वो वैसे तो 20 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन मैं जो हूँ 35 मिनट्स में करती हूँ, ताकि आलू और कीमा दोनों ही गल जाएँ। अच्छा, मेरे पास जो इंस्टेंट पॉट है ना वो 6 क्वार्ट का है, तो इसके अंदर मतलब पक जाता है खाना, लेकिन फिर ये होता है कि जैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना तो फिर उसको भूनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि इसको पतीली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और जब पतीली में डाल के इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। फिर ये स्टेप आप जो है इंस्टेंट पॉट के अंदर भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है ना तो उसको हीट होने में टाइम लगता है। ऊपर से कटा हुआ ताज़ा अदरक डाल दें, मिर्च डालें चॉप की हुई, और हरा धनिया डाल के ना इसको थोड़ा दम दे दें। आज जो है मैंने कुछ फ्रीज़ नहीं करना था, मैं 2 दिन के लिए बस खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है हम बिरयानी खा लेंगे। बिरयानी तो जितनी भी जो है वो 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। बस अब जो है मेरी बिरयानी के लिए प्याज करी हूँ, तेल डाला है मैंने। प्याज मैं चॉप करके ना अलग से पहले पकाने से पहले ही रख लेती हूँ, तो फिर उसको जो है खाने के साथ साथ जो है फ्राई करती जाती हूँ और फिर पकाती जाती हूँ। खूब सारे प्याज मैंने ली है, अच्छी तरह उसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। जब थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी तो फिर मैं खूब सारे कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, और फिर उसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। आजकल मैं वैसे ऐसे ही कर रही हूँ ना कि पूरे हफ्ते का खाना नहीं बनाती, 3 3 दिन मैंने डिवाइड कर लिए हैं, तो इस तरह मुझे ज़रा आसानी भी होती है। फिर जिस दिन जैसे अगर कुछ फैंसी खाना हो, स्पेशल खाना हो, तो उसके लिए जो है वो अलग से इंग्रेडिएंट डाल के और फिर मील प्रेप कर लेती हूँ। जो टमाटर जो अच्छी तरह भुन गए थे, तो फिर मैंने ये जो मसाला मैरिनेट करके रखा था वो उसके अंदर ऐड कर दिया था। अब इस मसाले को जब मैं भूनूंगी तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बोटियों में जो है अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया होगा। दिनों से बिरयानी नहीं बनाई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेती हूँ। वीकेंड भी हमारा आने वाला है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि वीकेंड पे बिरयानी खा लेते हैं। तो बच्चों की वजह से मैं ज़रा स्पाइस कम रखती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैंने दरमियान ही रखी थी, तो ये करती हूँ मैं एंड में जब दम लगाती हूँ ना चावल, तो फिर उसमें थोड़े से सफ़ेद चावल अलग कर लेती हूँ। सब चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया, थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डाल के और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद जब बॉईल हो जाते हैं तो पानी निथार के और लेयर्स लगा लेती हूँ। पहले चावल डालती हूँ, फिर जो भी मसाला होता है वो, थोड़ा सा हरा धनिया अगर प्याज डालनी होती है, और साथ ही जो है वो जर्दे का रंग डालती जाती हूँ। इस तरह ज़्यादा अच्छा कलर आता है। अगर ऊपर से डालो ना तो फिर ऊपर के चावलों में आ जाता है, सही से नीचे नहीं आता। पानी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, ताकि ये 2 दिन तो चल जाएगी। नेक्स्ट वीक के लिए फिर मंडे को मील प्रेप करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी कुछ और नई रेसिपी भी मैंने ट्राई करनी थी,
और लज़ानिया जो है इस दफ़ा रह ही गया, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, बीच में ना दो तीन हरी मिर्चें ऐसे मैं जो हूँ ना वो घुसा देती हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए, उसके बाद उसको दम दे देती हूँ। बिरयानी बिल्कुल तैयार थी, साथ इसके मैंने वो सलाद जो बनाई थी वो रख दी थी, और थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था क्योंकि चटनी जो है वो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो बस मुझे दही में जो है उसको फेंटना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।